कॉन वेलकम टू द लॉ वाला चैनल माई नेम इज श्रिष्टि जैन आई एम योर क्लैट मैंटोर एंड इन टूडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ क्लैट क्लैट का एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी रोल आउट हो चुका है आप जाके क्लैट कंसोटियम की साइट पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म टू अपीयर इन क्लैट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एग्जामिनेशन फिल कर सकते हैं तो आज हम देखते हैं कि उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कैसे करना है अगर आपको कोई डाउट है कुछ भी इसमें क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा तो आज के वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी यू नो पॉइंटर्स नोट डाउन करने में कि एप्लीकेशन फॉर्म में आप क्या डिटेल्स मेंशन, किस टेक्स्ट uh, फील्ड में आपको करनी है राइट uh, right? तो उसको आज हम देख लेते हैं इस वीडियो में सबसे पहले अगर आपने यहाँ देखा हो मैंने क्लैट कन गूगल कर लिया था वहाँ पे आपको सिर्फ कन ऑफ ओ में लेट्स से क्लैट 2024 पे मैंने क्लिक किया यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है अगर आपका ऑलरेडी आपने रजिस्टर कर दिया है साइट पर तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉग करना है अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर पर क्लिक करके बहुत सिंपल है अपना नेम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, पासवर्ड और उसी पासवर्ड को आप कंफर्म कीजिए और रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ओ वगैरह का ऑप्शन अगर आगे आता है तो वो तो ठीक है क्लैरिटी हो जाएगी सिंपली रजिस्टर करना है बहुत सिंपल प्रोसेस है मैं रजिस्टर करना यहाँ पे नहीं सिखा रही हूँ आपको मैं सिखा रही हूँ कि आगे आपको इस पर वर्क कैसे करना है तो मैं यहाँ पे अभी लॉग इन करूँगी उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आगे का प्रोसेस ऑल राइट ऑल राइट सो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद हमें यहाँ पे जो भी आपने पासवर्ड सेट किया है वो फिल करना है ऑल राइट right. और यहाँ से आपने लॉग इन कर लिया सिंपली जैसे यहाँ पे मैंने अपने नेम से लॉग इन किया है तो वेलकम सृष्टि जैन टू का क्लास 2024 ट्वेंटी फोर एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे मैंशन है यहाँ आपका नेम मैंशन होगा ठीक है उसके बाद क्या यहाँ पे आप डिटेल्स एक बार रीड कर लीजिए मैं आपके साथ ही यहाँ रीड कर रही हूँ अच्छे से प्रोसेस को समझते हैं ताकि एक भी मिस्टेक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में तो एटलीस्ट ना करें जब आप इतना साल भर आ, इसके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑल right, तो एक बार डिटेल्स रीड कर लेते हैं पहले क्या मैंशन है लेट सी ओके तो यहाँ पर लिखा है पहला पॉइंट है हमारा फर्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक दैट दे फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप कैसे चेक करेंगे आप जब कंसोटियम की साइट पे बाकी डिटेल्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे क्लिक करते हो विजिट uh, करोगे साइट पे तो वहाँ पे क्लियरली एलिजिबिलिटी मैंशनड है अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं जस्ट अ सेकेंड अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं या अगर आप रीटेकर हैं मतलब ड्रॉपर हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं इवन इफ अगर आप क्लास इलेवेंथ में और जस्ट फॉर एक्सपीरियंस पर्पस आप इस एग्ज़ाम को अपीयर करना चाहते हैं ताकि आपको नेक्स्ट ईयर एग्ज़ामिनेशन का क्लैरिटी रहे यू नो कि एग्जाम सेंटर का एन्वायरमेंट कैसा होता है पेपर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो कैसा लगता है तो अपीयर कर सकते हो आप बट एक्चुअली जिनको एडमिशन मिलेगा उसमें जो ट्वेल्थ क्लास में इस साल हैं और नेक्स्ट ईयर जिनका ट्वेल्थ क्लियर होगा या जो ड्रॉपर हैं इस साल बच्चे वो अपियर कर सकते हैं ठीक है एलिजिबिलिटी क्लियर है? है उसके बाद हम देखते हैं आगे ठीक तो यहाँ पे सेकेंड आपके पास जो मैंशन चीज़ है पॉइंट है वो है एलिजिबिलिटी के बाद सीट एंड रिजर्वेशन कैटेगरीज का भी जो क्राइटेरिया मैंशन है क्लियरली एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन में जाके आप उसे रीड कर सकते हो कोई डाउट होगा कॉमेंट कीजिएगा मैं उसे एड्रेस कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में एंड देन आपका क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है कि ठीक है या आप रीड कर सकते हो कि कंसोर्टियम ऑफ एनएलूज एंड द ऑर्गेनाइजिंग यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट रिस्पॉन्सिबल अगर एलिजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आती है तो मतलब अगर आप जो भी इनका क्राइटेरिया है उसे हमें फॉलो करना है बेसिकली इन नोट दैट मीयर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन डज नॉट कन्फर एनी कैंडिडेट द राइट ऑफ एडमिशन विच इज़ वेरी ऑब्वियस एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर रहे हो उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा वो क्लियर करोगे रैंक लाओगे स्कोर अच्छा लाओगे उसके बाद ट्वेल्थ क्लास में अगर कोई बच्चा है तो उसे बोर्ड एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा तब जाके आप एन में एडमिशन ले पाओगे ठीक है तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं एडमिशन इज सब्जेक्ट फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ, आप अपलोड करेंगे उसको वेरीफाई किया जाएगा मिनिमम uh, क्वालिफिकेशन क्लैट स्कोर रैंक एंड अदर कंडीशंस एलिजिबिलिटी कंडीशन ठीक है थर्ड पॉइंट है फॉर डिटेल्स रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन एंड एडमिशन टू इंडिविजुअल एनएल ओस कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द ई ब्रॉशर्स अगर आपको एनएलू स्पेसिफिक डिटेल्स जाननी हो तो क्लैट कंसोटियम की साइड पर जब आप पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी के टैब पर क्लिक करते हो वहाँ पर सारे एनएल ओस का ब्रॉशर के सा डिटेल्स है जो आप रीड कर सकते हो फॉर योर इन्फॉर्मेशन नॉट रिलीवेंट टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एज सच मतलब लाइक like, डेफिनेटली आपको रीड करना चाहिए अगर आप एन ए ली होडमिशन ले रहे हो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास लास्ट क्या है एन आर आई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी वेर एवर एप्लीकेबल इज सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो बेसिकली क्योंकि एन आर आई स्पॉन्सर भी एक यहाँ पर क्राइटेरिया होता है वो मैं आराम से बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी अब हाँ नोट क्या लिखा है यू डू नॉट हैव टू एप्लीकेशन प्रोसेस और फी पेमेंट इन वन सिटिंग सेव करके और धीरे धीरे करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो ऐसा नहीं अभी ओपन किया एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको अभी ही फिल करना होगा एक ही बार में नहीं यू कैन सेव योर एप्लीकेशन एट एनी स्टेज आप बस सेव करके अपनी डिटेल रख दो ताकि जब आप वापस से लॉग इन करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करो तो आपका uh, जो डेटा है वो सेव सेव्ड रहे एंड कंटिन्यू एट एनी टाइम अंटिल द ऑफिशियल डेट ऑफ क्लोजर फॉर रिसीविंग एप्लीकेशंस जो लास्ट डेट है उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है प्लीज़ सिलेक्ट द प्रोग्राम फॉर विच यू वॉन्ट टू अप्लाई अब अगर इसको हम रिमूव कर देते हैं थोड़ा ओके okay. सो so अगर आप यूजी प्रोग्राम के लिए अप्यर करना चाह रहे हैं मतलब अंडर ग्रेजुएशन अभी आप करना चाह रहे हो क्लैट क्लियर करके ट्वेल्व के बाद जो बच्चे हैं अगर वो बी एल एल बी ऑनर्स बी एस सी एल एल बी ऑनर्स बी कॉम एल एल बी ऑनर्स ये करना चाह रहे हो आप अंडर ग्रेजुएशन फाइव ईयर प्रोग्राम तो आप इस पर क्लिक करोगे अगर आप पी के लिए अपियर कर रहे हो तो इसके लिए बट हमारा जो अभी पर्पस है मोटिव है वो यू बच्चों को आ, बताना कि एप्लीकेशन फॉर्म फ़िल कैसे करना है हम अंडर ग्रेजुएट पर क्लिक करेंगे ये क्लिक हो गया रेड कलर का आपको यहाँ पर कलर भी शो हो रहा होगा क्योंकि ये सिलेक्ट हो चुका है सिंपल अप्लाई फॉर क्लैर 2024 पे मैंने क्लिक किया यू हैव सिलेक्टेड टू अपलाइफ और अंडर ग्रेजुएट कोर्स प्लीज कन्फर्म ओके दैट सेट अब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है अब यहाँ पर आप देखिए राइट right. चलिए सबसे पहले मैं इस इन चारों पाँचों जो हमारे पास कॉलम्स हैं उनको हम देख लेते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन का ये कॉलम है ठीक कम्युनिकेशन डिटेल्स का ये कॉलम हो गया क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स यहाँ आ जाएंगे टेस्ट सेंटर की प्रेफरेंस आपको फिल करनी है एंड रिजर्वेशन का जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे सबमिट करना है ठीक पहले से स्टार्ट करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो सबसे पहले सिंपल है इमेज अपलोड करनी है यहाँ तक तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे आपको इमेज अपलोड करनी है अपनी ठीक अब वो आपका जो क्राइटेरिया मैंने यहाँ पर यहाँ पर एस्टेरिक अगर मार्क है तो लेट्स सी ठीक है यहाँ पे इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है यहाँ से आपने अपलोड पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी आपके रेलेवेंट uh, मतलब लाइक like, आपके डेस्कटॉप में जहाँ पे आप अपलोडिंग करना चाहोगे वहाँ से आप उसको पिक करोगे अपनी फ़ोटोग्राफ को यहाँ पे अपना फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करना है जो कि किस फॉर्मेट में होना चाहिए अपलोड योर रीसेंट फ्रंट फेसिंग फोटोग्राफ इन जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट यही तो फॉर्मेट होते हैं आई थिंक इसमें तो हर बच्चे को पता होगा जे पी जी होता है या पी फॉर्मेट होता है ठीक है तो उसमें आपको अपलोडिंग करनी है सो so, अगर अब फोटोग्राफ तो यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा साइज़ की बात की जाए तो 200 से 230 थर्टी पिक्सल्स तक का आप इसमें इमेज अपलोड कर सकते हैं विच मीन्स ट्वेंटी टू फिफ्टी के एंड सिमिलरली अगर यहाँ पे देखा जाए तो सिग्नेचर भी आपको अपना अपलोड करना है ब्लू कलर का पेन लेकर अच्छे से वाइट बैकग्राउंड पे अगर आप अपना सिग्नेचर साइन sign करते हैं प्रॉपर उसका जो भी आप इमेज अपलोडिंग करते हैं क्लैरिटी होनी चाहिए इतना तो आपको ध्यान रखना है ना कि पेज वाइट ब्लैंक शीट लेकर उस पर ब्लू कलर से अगर आप साइन कर दो ठीक है अच्छे से जो भी आपका सिग्नेचर है सो so इसका साइज़ कितना होना चाहिए इसमें आप टेन टू ट्वेंटी के बी या इमेज फोर्टी रख सकते हो जो भी सिग्नेचर आप अपना अपलोड कर रहे हो तो यहाँ तो क्लैरिटी है और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है जेपी जी फॉर्मेट बता दिया है मैंने ऑलरेडी अब आते हैं एप्लीकेंट्स नेम एंड बाकी जो डिटेल्स आपको फिल करनी है ठीक है उस पर आते हैं यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे आपको फिल करना है डिटेल्स जैसे अभी तो मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ आप अगर लैपटॉप से करेंगे तो वहाँ पे की जो भी आपके पास कीबोर्ड होगा वहाँ से आप इसको टाइप कर लेना अपना नेम लेट से अगर मैं सृष्टि डालती हूँ ठीक है मेरा नेम सृष्टि जैन ओके अब डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है जैसे अगर मैं अपनी डिटेल्स के हिसाब से थोड़ा बहुत मैंशन कर रही हूँ बस रेलीवेंट रेलीवेंट थिंग्स आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है अब जैसे मेरा तो और पुराना होगा नाइन्टी सेवन ठीक है आपका जो ईयर है मंथ है डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करना तो इसके बाद डू यू क्वालिफाई अंडर एन आर आई कैटेगरी अगर आप एन आर आई कैटेगरी से क्वालिफाई नहीं कर रहे हो मतलब अगर आप एक एन आर आई नहीं हो ठीक है तो आप यहाँ पे नो no करेंगे अदरवाइज यह सिलेक्ट करेंगे अब हम आते हैं ऑल इंडिया कैटेगरी अगर आप जनरल हो तो जनरल पे ओ बी सी एस सी एस टी आपका जो कैटेगरी uh, है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अगर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ मैं जनरल क्लिक करूँगी है ना इसके बाद आते हैं नीचे डू यू क्वालिफाई अंडर द पर्सन विथ डिसेबिलिटी कैटेगरी पर्सन विथ डिसेबिलिटी अब यहाँ देखो क्या लिखा है ओनली कैंडिडेट्स विथ परसेंटेज डिसेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर्टी परसेंटर है एलिजिबल जो भी पी डब्ल्यू डी मतलब कैटेगरी में आने की एलिजिबिलिटी आप नॉर्मली गूगल भी करोगे ना तो उसमें मैंशन है अगर आप पर्सन विथ डिसेबिलिटी हो तो आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो पी डब्ल्यू डी में आने के लिए और अगर मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँ तो चालीस परसेंट का जो क्राइटेरिया मतलब इससे ज़्यादा अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो आप इस क्राइटेरिया के अंदर फिल करते हो थोड़ा सा और हम डिटेल में इसको समझ लेते हैं एक बार के लिए सो so, यहाँ पे अगर पी डब्ल्यू कैटेगरी मतलब जो डिसेबिलिटी है जैसे अगर आपका आपको लो ब्लाइंडनेस है हेयरिंग uh, इम्पेयरमेंट है और भी बहुत सारी डिसेबिलिटी होती है ना तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट बनता है गवर्नमेंट का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बेसिकली तो वहाँ पे 40 परसेंट से ऊपर अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे पी डब्ल्यू कैटेगरी में आ जाओगे ठीक है अगर आप नहीं हो डू यू वॉन्ट टू डू यू क्वालिफाई अंडर द पी डब्ल्यू कैटेगरी नो ठीक है Uh, जो मेरा ब्लाइंडनेस भी है अगर आ, मुझे चश्मा भी लगा है ना तो अगर वो फोर्टी परसेंट से ज़्यादा ब्लाइंडनेस है तो मैं तो फिर कंसिडरेशन है कि uh, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्राइटेरिया में आप एलिजिबल हो या नहीं आई डू यू क्वालिफाई अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप यहाँ पे येस सिलेक्ट करेंगे अगर आप क्वालिफाई नहीं करते जैसे अगर मैं नहीं करूँगी तो मैं नो सिलेक्ट करूँगी कि मैं बी कैटेगरी में फॉल नहीं करती हूँ ठीक है जिनका इनकम एक सर्टेन लाइन uh, के नीचे है लेट्स से कि कैट यू नो जो भी हमने क्राइटेरिया सेट किया है अगर बी कैटेगरी में नहीं हो तो नो सिलेक्ट करना है अब जेंडर जेंडर में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर पर्सन है तो आप अगर मेल हो तो मेल सिलेक्ट करोगे फीमेल हो तो फीमेल सिलेक्ट करोगे ट्रांसजेंडर पर्सन हो तो ट्रांसजेंडर आप सिलेक्ट करोगे ठीक है मैं फ़ीमेल सिलेक्ट करती हूँ पेरेंट और गार्डियन का आपको यहाँ नेम डालना है जो भी आपके पेरेंट का नेम है गार्डियन का मतलब अगर पेरेंट के अलावा अगर आपका कोई गार्डियन है तो आप उनका नेम यहाँ मेंशन कर सकते हो अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप पेरेंट का नेम यहाँ मेंशन करोगे ठीक है कौन सा पॉइंट है अब हमारा नेक्स्ट डू यू क्वालीफाई अंडर एनआरआई स्पोंसरड कैटेगरी ये था एनआरआई कैटेगरी वाला एक ऑप्शन अगर आप आप खुद एनआरआई हो तो आप वहाँ पर ये नो सिलेक्ट करोगे यहाँ पे पूछ रहा है क्या पूछ रहा है एन स्पॉन्सर्ड हो क्या अगर आपके कोई नोन है रिलेटिव्स हैं जो बाहर रहते हैं एन हैं और अगर आप उनके थ्रू स्पॉन्सर्ड हो तो ये भी एक पॉइंट uh, है तो एन आर स्पॉन्सर्ड वालों के लिए फिर उनका फी स्ट्रक्चर भी आ, अलग होता है जब आप कॉलेज पहुंचते हो उसके बाद तो अगर आप एन आर आई स्पॉन्सर्ड हो तो आप येस yes करोगे अगर नहीं हो तो नो no करोगे जैसे मैं अगर नहीं हूँ इस एन आर आई स्पॉन्सर्ड तो मैं नो no पे क्लिक करूंगी डू यू क्वालिफाई अंडर द ई डब्ल्यू एस कैटेगरी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन्स ई डब्ल्यू एस कैटेगरी के लिए आप अलग से गूगल भी कर सकते हो सो ई डब्ल्यू एस कैटगरी का एक पॉइंट मैं मैंशन कर देती हूँ जिनकी एट लाख ,00 से कम की इनकम है और अगर वो ओ बी सी एस सी कैटेगरी में नहीं फॉल करते हैं, तो वो ई डब्ल्यू एस कैटेगरी में लेकिन और भी क्राइटेरिया है तो अच्छे से आप उसको गूगल करके गवर्नमेंट साइट पे रीड कर लो आपकी क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रही है और अगर आप ई डब्ल्यू एस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो येस yes क्लिक करोगे अदरवाइज़ नो no, इसका भी आई गेस सर्टिफिकेट बनता है तो आप एक बार देख लो ठीक है इसको गूगल करके देख लेना अगर कोई ई डब्ल्यू एस कैटेगरी में फॉल करता है वो यहाँ पे येस yes फिल करेगा तो अभी के लिए मैं नो no फिल करती हूँ इसको मैं अब देखो मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं अगर आप यहाँ देखोगे ना सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन आ रहा है और दूसरा क्लोज का ऑप्शन आ रहा है अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगी तो जो भी मैंने डिटेल्स यहाँ फिल की है वो सब हट जाएंगी तो मुझे क्या करना है मुझे सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करना है सेव एज ड्राफ्ट कर लिया ये सेव हो गई ये सेव्ड तो आ गया आपके पास ऑप्शन आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरे यहाँ सेव हो गई है अभी मैंने इमेज नहीं लगाई है कोई जरूरत नहीं है मुझे अभी यहाँ इमेज लगाने की मैं क्योंकि आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ डिटेल्स कैसे फिल करनी है कम्युनिकेशन डिटेल्स पे आते हैं तो कम्युनिकेशन डिटेल्स में लेट से अगर आपका जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है उसका मतलब लेट से अगर कोई आपके पास कोरियर आता है कुछ भी यू you नो know, uh, कोई सेंड करता है पोस्ट सेंड करता है तो आपके ऐसा एड्रेस यहाँ पे आपको फ़िल करना पड़ता है तो विच मीन्स आप अपना परमानेंट एड्रेस भी फ़िल कर सकते हो जो या जहाँ पे आप अभी जो आपका रेसिडेंशियल एड्रेस है जहाँ आप रह रहे हो आने वाले टाइम के लिए रहोगे जब तक एग्जाम है कोई और डिटेल्स है तो मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल उसके बाद भी तो वो आप यहाँ पर फिल करोगे ठीक लेट से मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अभी आ, फिल कर देती हूँ डिटेल्स डेली ठीक है दिल्ली मैंने यहाँ डाल दिया एग्जाम्पल के लिए फिल कर रही हूँ आप अपना प्रॉपर एड्रेस यहाँ फ़िल कीजिएगा जो भी आपका है मैं अपना एड्रेस तो यहाँ अभी मेन्शन नहीं करूँगी स्टेट आपको यूटी या स्टेट सिलेक्ट करना है अगर आप डेली से हो तो डेली करोगे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे नोएडा डालती हूँ ठीक है अगर मैं नोएडा में हूँ ठीक है नोएडा से सिंपल है यार है ना आपको सिंपल यूपी सिलेक्ट करना है उत्तर प्रदेश अगर आप भोपाल इंदौर से हो तो आप मध्य प्रदेश सेलेक्ट करोगे किसी और सिटीज आ, आ, से स्पेसिफिकली हो तो वैसे एड्रेस डाल के स्टेट डाला पिन कोड डाला लेट से मैंने पिन कोड यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे डाल दिया टू जीरो वन थ्री जीरो नाइन ठीक परमानेंट एड्रेस जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस जहाँ पे कुरियर आ सकता है डिलीवर हो सकता है जहाँ पे आप उसे चेक कर सकते हो आप यहाँ रेजिडेंशियल एड्रेस भी डाल सकते हो जहाँ आप रिसाइड कर रहे हो परमानेंट जो आपका परमानेंट एड्रेस है अगर वो सेम भी है तो डाल दो सेम कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यहाँ मैंने डाल दिया नोएडा स्टेट यूटी उसका भी सिलेक्ट कर लो आप जैसे सेम है तो फिर सेम होने पे तो उत्तर प्रदेश आएगा अदरवाइज़ क्या आता जो भी आपका पर्मानेंट एड्रेस है मान लीजिए मेरा पर्मानेंट एड्रेस नोएडा की जगह मैं यहाँ फिल करती हूँ भोपाल भोपाल के साथ आ गया एमपी ठीक पिन कोड आ गया कुछ भी अभी मैं एग्ज़ाम्पल के लिए पिन कोड फिल कर रही हूँ फोर फाइव फाइव ज़ीरो ज़ीरो वन ठीक ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपने कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना है आपका ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ क्या होगा एक तो आपने रजिस्टर करते वक्त एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया है वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर आप रखना ट्राई करना वही दो आजकल सब बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन्स तो होंगे अगर नहीं है तो पेरेंट्स का दिया है, तो यहाँ पे कोई सा दूसरा ऑल्टरनेट नंबर फिल कर दो जैसे लेट से अगर मैं ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर फिल कर देती हूँ नाइन एट सेवन फोर फाइव सिक्स थ्री टू वन सेवन ये एग्जांपल के लिए ठीक डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है जहाँ आप रह रहे हो तो या लेट से अगर आप डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग नहीं कर रहे हो आप किसी टाउन uh, से हो कुछ है ऐसा विलेज से हो तो भी आप अपना जो डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेबल है आपके uh, सिटी स्पेसिफ़िक पे नॉट सिटी टाउन स्पेसिफ़िक पे तो वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ मैंशन करो, जैसे अगर मैंने नोएडा डाला है तो मैं यहाँ नोएडा डालूँगी ठीक है नोएडा फिल कर दिया यहाँ पे अगर मैंने भोपाल मेंशन किया था तो भोपाल तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट ही होगा उसका ठीक है इसलिए यहाँ भोपाल आ जाएगा सो मोबाइल नंबर जो आपने फिल किया है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जहाँ पे सारी डिटेल्स आपकी शेयर होंगी क्लाइड कंसोर्टियम जब भी कोई डिटेल शेयर करेगा जो आपने लॉग इन करते वक्त रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इस कंसोटियम की साइट पर जो नंबर फिल किया है वो ही आपका फर्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर है सेकेंड आपने यहाँ फिल, तो यह uh, फिल किया है ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर में ठीक तो ये आ गया मोबाइल नंबर ऑल नोटिफिकेशन विल बी सेंट टू दिस नंबर ऑल्टरनेट ई मेल डाल दीजिए ठीक है एक ई मेल ऑलरेडी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल की है तो यहाँ पे आपकी ऑल्टरनेट ई मेल आप डाल दीजिए लेट से अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर डाल रही हूँ ठीक है एस जे एट द रेट जी मेल डॉट कॉम अब यहाँ पर आपने अपनी ई मेल फिल की है इसके बाद सिंपल वही दो ऑप्शन सेव एज ड्राफ्ट क्लोज आप सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर लो ठीक है सेव एज ड्राफ्ट कर दिया सेव्ड लिखा आ गया क्वालीफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स इस यहाँ पे आपका जो भी क्वालिफाइंग एग्जाम है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप आर्ट ह्यूमैनिटीज कॉमर्स जो भी आपकी स्ट्रीम है साइंस तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो सिंपल है अगर कोई और स्ट्रीम है तो वो भी आप अदर के फॉर्म में सिलेक्ट कर सकते हो ठीक अगर मैं मान लो मैं साइंस स्टूडेंट थी और जो भी स्टूडेंट साइंस के होंगे अभी क्लास ट्वेल्थ में तो वो अपना स्ट्रीम यहाँ वैसे सिलेक्ट करेंगे अगर आपने क्लियर भी कर लिया है ट्वेल्थ और आप एक रीटेकर हो तो भी आप अपना स्ट्रीम तो यहाँ मेंशन करोगे जो आपका टेन प्लस टू में रहा है इसके बाद हम आते हैं अपियरिंग अपीयर्ड और पास्ट ठीक आप अगर अपियरिंग कैंडिडेट हो मतलब नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में अपियर होने वाले हो तो आप इस पे अपियरिंग uh, अपीयर्ड पे सिलेक्ट करोगे विच मीन्स आप अपियर होने वाले हो कोई ऐसा बच्चा है जिसका रिजल्ट नहीं आया होता है ना और उसने अपियर कर लिया है क्लास ट्वेल्थ में तो वो अपियर एक तरीके से वही मीनिंग हो गया सिंपली तो क्लास ट्वेल्थ का अपियरिंग हो गया एंड अगर आप ने पास कर लिया है क्लास ट्वेल्थ मतलब आप एक ड्रॉपर हो लेकिन ट्वेल्थ का रिजल्ट आ गया और आपने पास कर लिया है तो आप पासड पे क्लिक करोगे ठीक है तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा लेट से मैं पास पे क्लिक कर देती हूँ मैंने पास कर लिया है क्लास ट्वेल्थ बहुत साल पहले अब मैं ईयर ऑफ़ पासिंग जो भी आपका ईयर ऑफ पासिंग अगर आपने अभी तेईस में क्लियर किया है ना एग्जाम अपना ट्वेल्थ क्लास तो आप टू थाउजेंड ट्वेंटी सॉरी ईयर ट्वेंटी थ्री मैंशन करोगे अगर आपका ईयर ऑफ पासिंग अगर आप क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो आपका ईयर ऑफ पासिंग ट्वेंटी ट्वेंटी फोर है वो मैंशन करो कोई ऐसा बच्चा है जो स्मार्ट है जो क्लास इलेवेंथ में है और जो इस एग्ज़ाम को जस्ट अपियर कर रहा है देखने के लिए यू नो एग्ज़ाम एक्सपीरियंस लेने के लिए ट्वेंटी फोर सिलेक्ट कर लेना आप वैसे भी आ, या क्योंकि वैसे भी आप सिर्फ इसलिए ये एग्जाम अटैम्प्ट कर रहे हो ना ताकि आपको एक एक्सपीरियंस हो जाए एन तो नहीं मिलेगा क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हो है ना एक बार फिर भी देख लेना तो मैं अभी यहाँ पे बता रही हूँ ट्वेंटी फ़ोर उन बच्चों का है जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम को क्लियर करेंगे तो जिनका ट्वेंटी थ्री में रिजल्ट आ गया है वो पास कर लिए हैं और जो ड्रॉपर है अब जो इस साल का डिसम्बर का एग्जाम दे रहे हैं वो ट्वेंटी थ्री सिलेक्ट कर लेंगे अगर आपने 22 वाले ईयर में क्लास ट्वेल्थ क्लियर किया है पास किया है तो 22 आ जाएगा लाइक वाइज तो अपना ईयर आप सिलेक्ट कर सकते हो क्लैट की कोई लिमिट नहीं है ना अपर एज लिमिट इसीलिए यहाँ पे देखो आप मैंने 2015 में क्लास ट्वेल्थ क्लियर किया और मैं यहाँ पे फिल कर सकती हूँ क्योंकि कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है मैं चाहूँ तो क्लैट अभी दे सकती हूँ ऑल मैंने क्लैट क्लियर कर लिया है जी से ग्रेजुएशन कर लिया है तो मुझे ज़रूरत नहीं है पर स्टिल मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ट्वेंटी का भी ऑप्शन है कमिंग टू द बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या टाइप करोगे जो भी आपका बोर्ड है ठीक है जहाँ से भी आप जैसे अगर आप मैं सी बी बोर्ड से अगर पढ़ी हुई हूँ तो मैं सी बी एस ई फ़िल करूँगी अगर आई सी एस ई है तो आई सी एस ई कोई स्टेट बोर्ड है तो वो आप फ़िल करेंगे ऑल राइट नाव नेक्स्ट पॉइंट इज मंथ ऑफ पासिंग कौन से मंथ में आपने पास किया है या करने वाले हो अगर आपका टेंटेटिव मंथ जो है क्लास ट्वेल्थ का जो रिज़ल्ट है वो अगर मे में डिक्लेयर होता है तो यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ आएगा मे अगर आपका यूजुअली मे में ही डिक्लेयर होता है रिजल्ट आ जाता है ना जब आपका तो मे ऑफ मंथ ऑफ पासिंग हो जाएगा अगर आपका जो रिजल्ट है वो जून में डिक्लेयर है जो रिपोर्ट कार्ड आपका आया है उसमें जो मंथ पब्लिश्ड है वही यहाँ पे मेंशन करो ठीक है जून है तो जून मे है तो मे ठीक परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो भी आपका परसेंटेज मार्क्स है ठीक अगर ये ये किस किन बच्चों के लिए रीटेकर्स के लिए आप लोग के लिए नहीं है जो क्लास ट्वेल्थ में उसके लिए आराम से मैं बताऊंगी पहले मैं यहाँ पे ड्रॉपर्स बच्चों को तो बता दूँ पहले कि कैसे फिल करना है ठीक अगर मेरा क्लास ट्वेल्थ का जितना मुझे ध्यान है परसेंटेज मैं जैसे जो भी मतलब जो भी आपका परसेंटेज आया एटी आया एटी आया है ठीक वही पॉइंट भी है तो आप मैंशन कर सकते हो एटी ऑल राइट सो हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन डिटेल्स क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स फिल कर ली है सेव एज ड्राफ्ट सेव हो चुका है अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं टेस्ट सेंटर प्रेफरेंसेस ऑल राइट टेस्ट टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस में तो पहला टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस आपका होगा लेट्स से अगर आप जो भी सिटी से हो उसके आसपास जो भी सेंटर पहला क्लोजेस्ट नियर बाई हो वो आप यहाँ प्रेफर कर सकते हो जैसे मेरा अगर मैं नोएडा से हूँ तो मैं अगर यहाँ देखूंगी तो मैं नोएडा ग्रेटर नोएडा नोएडा इसको पिक करूंगी सके सेंटर प्रेफरेंस मेरा होगा जो भी उसके नियरेस्ट और दूसरी मतलब जहां मैं जा सकती हूँ अगर मुझे ये सेंटर ना मिले तो मैं ये सेकेंड सेंटर पे चली जाऊं तो वो हो जाएगा मैं सर्च कर रही हूँ कि मेरा कौन सा सेंटर हो सकता है पास का जैसे अगर गाजियाबाद हो सकता है राइट तो मैं गाज़ियाबाद या न्यू दिल्ली सिलेक्ट कर लूँगी हल्दवानी हरिद्वार तो नहीं लिखा था आई गेस मेरठ नवी मुंबई येरा, न्यू दिल्ली, ठीक है अब जो भी थर्ड सेंटर है वो प्रायोरिटी वाइज तीसरे नंबर पे होना चाहिए जहाँ अगर ये दोनों सेंटर आपको ना मिले तो आप इस सेंटर पे जाओगे तो वो हो गया अगर जी से मैं गुड़गांव सर्च कर रही हूँ इस बार आ जाते हैं इस पर गुरुग्राम ठीक है ये तीन सेंटर्स मैंने फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मेरी लोकेशन स्पेसिफ़िक डालें आप अपने हिसाब से डालना पहला प्रायोरिटी में सबसे पास होना चाहिए आपकी जगह से फिर सेकेंड और फिर थर्ड गुरुग्राम सेव एज ड्राफ्ट ड्राफ्ट सेव हो चुका है अब हम रेजर्वेशन वाला जो हमारा लास्ट कॉलम है इसको रीड uh, आउट करते हैं और फिल करते हैं ओके okay? ताकि uh, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली सबमिट हो जाए तो यहाँ पे क्लियरली क्या लिखा है पहले उसे रीड कर लेते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड्स एडमिशन अंडर डिफरेंट रिजर्वेशन कैटेगरीज ठीक तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हर एन का स्पेसिफिक जो रेजर्वेशन क्राइटेरिया है वो मैंशनड है उसको भी मैं आराम से अभी एक्सप्लेन करूँगी और राइट तो बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल फील्ड्स जैसे कि अगर आप ऑल इंडिया आपकी जो कैटेगरी अगर वो जो है आपका जेंडर नेशनैलिटी पी अगर आप पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं इसके अलावा तो इनके बेसिस पर आपका जो रेजर्वेशन का क्राइटेरिया है एन स्पेसिफिक वहाँ पर आपको एडमिशन में हेल्प मिलती है तो जहाँ क्या लिखा है द एप्लीकेबल कैटेगरीज़ आर ऑलरेडी सिलेक्टेड आपने जो इनिशियली पर्सनल इंफॉर्मेशन और बाकी डिटेल्स फ़िल की हैं उसके बेसिस पे ऑलरेडी यहाँ पे ऑटोमेटिकली अब आपको फॉर्म में मतलब कुछ डिटेल्स तो फिक्स्ड होंगी यहाँ पर मैं वो दिखाऊंगी जैसे कि नहीं कुछ एन में डिफ़ॉल्ट रिजर्वेशन वमेन का है तो वो आपको मैंशन होगा क्लियरली क्योंकि आपने अगर अपना जेंडर फीमेल सिलेक्ट किया है तो राइट तो वो यहाँ पे मैंशनड है बट इफ़ यू वॉन्ट टू क्लेम रेजर्वेशन अंडर एडिशनल कैटेगरीज जो डिफॉल्ट में सिलेक्टेड नहीं है उनके अलावा तो प्लीज़ रेफर टू द ब्रॉशर ऑफ़ द रिस्पेक्टिव एन एल यू फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ब्रॉशर कहाँ दिया है ये रहे ये पी डी एफ है हर एन एल यू का उसके साइड में आप उसको आराम से रीड कर सकते हो अगर आपको कोई एडिशनल क्राइटेरिया समझना है आ, उस पर्टिकुलर एन का फॉर रिजर्वेशन पर्पज ठीक है तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड देन सिलेक्ट द एलिजिबिलिटी कैटेगरी फॉर ईच एन वो मैं आपको हेल्प करूंगी अभी उसमें इफ़ यू सिलेक्ट एनी रिजर्वेशन कैटेगरी विच यू कैन नॉट प्रोवाइड अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ योर कैंडिडेट माइट बी डिसक्वालिफाइड दैट इज़ सो ऑब्वियस अगर आपके पास प्रूफ होगा रिकॉर्ड होगा डॉक्यूमेंट होगा तो ही आप एलिजिबल हो ना रिजर्वेशन के लिए दैट्स ऑल नाउ अब हम यहां देखते हैं सबसे पहले एनएलएस आई यू का ठीक है एनएलएसआई बेंगलुरु में डिफॉल्ट सिलेक्टेड रिजर्वेशन आपको क्या दिखा रहा है जस्ट अ सेकेंड डिफॉल्ट में मेरा जनरल और विमेन शो कर रहा है ठीक है बिकॉज वो मैंने लेक्ट किया था अब अगर मैं कर्नाटका स्टूडेंट हूं मतलब अगर आप कर्नाटका में रिसाइड कर रहे हो ठीक है तो आपका यहां और नो मैं नो सिलेक्ट करूंगी अगर मैं नहीं हूं अगर आप कर्नाटक स्टूडेंट हो तो आप ये सिलेक्ट करोगे नालसार हैदराबाद डिफॉल्ट सिलेक्टेड रिजर्वेशन जनरल एंड वीमेन ठीक है आर यू आर रेसिडेंट स्टूडेंट ऑफ तेलंगाना अगर आप तेलंगाना के रेसिडेंट स्टूडेंट हो रिसाइट कर रहे हो तो आप यहाँ पे नो या ये यस सिलेक्ट करो अगर हो तो यस करोगे नहीं हो तो नो जैसे अगर मैं नहीं हूँ तो मैं नो सिलेक्ट करूंगी इसके बाद एन भोपाल एन भोपाल में uh, मेरा क्या आ रहा है डिफॉल्ट सिलेक्टेड रिजर्वेशन जनरल एंड वीमेन ठीक उसके अलावा अगर मैं जे एन के रेजिडेंट हूँ क्योंकि एन भोपाल जे रेसिडेंट्स को मतलब जो जे के स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ रिसाइड कर रहे हैं उनको भी कुछ सीट्स या रिजर्वेशन देता है अगर मैं जे के स्टूडेंट होती मतलब वहाँ की रेसिडेंट होती तो मैं यहाँ राइट चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लेती अब यहाँ क्या लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं और आपको एक्सप्लेन कर देते हैं प्लीज़ रीड दी एलिजिबिलिटी कंडीशन गिवेन बिलो एंड ऑल्सो इन द ब्रॉशर तो अगर आपको उस पर्टिकुलर एनएल यू में जे एंड के रेसिडेंट्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर अवेलिंग द रिजर्वेशन तो उसके लिए आप ब्रोशर जो मैंने अभी बताया था कि पी डी एफ अटैच है वहाँ रीड कर सकते हो यहाँ क्या लिखा है डू यू वॉन्ट टू क्लेम अ सीट अंडर जे एंड के रेजिडेंट्स और नोट यू विल नीड टू प्रोड्यूस रेलिवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन फेलिंग विच योर एडमिशन मे बी कैंसल्ड सी चीज़ें ठीक है तो अगर मैं अवेल करना चाहती हूँ मैं येस सिलेक्ट कर लूँगी सिलेक्शन के लिए हमें येस सिलेक्ट हो गया और अगर मैं नहीं करना चाहती अवेल इफ़ आई एम नॉट जे एन के रेसिडेंट तो सिंपल है इसको सिलेक्ट हम नहीं करेंगे आर आर्यर डोमिसाइल ऑफ़ मध्य प्रदेश अगर मैं डोमिसाइल का मीनिंग क्या होता है जहाँ रिसाइड कर रहे हो जहाँ का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप बनवाते हो आ, क्योंकि आ, आप जिस स्टेट के रेसिडेंट हो वहाँ का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है जो बन जाता है तो आर आर्यर डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश इफ़ आई एम आई विल सिलेक्ट येस वो सेम चीज़ें आ गई ठीक है प्रोशर आप पढ़ लीजिए एंड एवरी जो डिस्क्लेमर है मैं येस कर लूँगी ठीक है स्टेट लेवल डिफॉल्ट सिलेक्ट रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी ऑफ मध्य प्रदेश अदर एलिजिबल रिजर्वेशन कैटेगरी ओ बी सी नॉट एप्लीकेबल एस सी का है एम पी में मैं नॉट एप्लीकेबल पर कर दूँगी क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करती हूँ सो फॉर दैट रीज़न ठीक है तो ऐसे लेट से अगर मैं डोमिसाइल अगर मेरा एम पी का है तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया है बस अभी अब मैं नीचे आती हूँ डब्ल्यू बी ओके एन यू जी एस कोलकाता अगर सेम सेम फॉर्मेट में आपको सबका फिल करना है डिफॉल्ट सिलेक्टेड रिजर्वेशन यहाँ पे मैंशनड है ठीक है जनरल यहाँ पे विमेन का रिजर्वेशन नहीं है तो वो नहीं आया डोमिसाइल ऑफ जे एन के सिलेक्ट कर सकती हूँ अगर मैं हूँ तो नहीं हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूँगी आ री और डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल अगर मैं एम पी की डोमिसाइल है मेरे पास तो मैं यहाँ नो क्लिक no कर एन यू जोधपुर अगेन रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी आ रही और डोमसाइल ऑफ़ राजस्थान नो अगर आप हो राजस्थान के डोमिसइल आपके पास तो आप इसमें यस सिलेक्ट करेंगे अगर मैं यस करती हूँ तो देखो अब यहाँ पे वही है एग्जैक्ट फॉर्मेट ठीक है अदर एलिजिबिलिटी एलिजिबल रिजर्वेशन कैटेगरी जो राजस्थान में प्रोवाइडेड है वो यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली आ रही है ओ बी सी एस सी एस टी मोस्ट बैकवर्ड क्लास ऑफ राजस्थान नॉट एप्लीकेबल मेरे में नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा अगर मान लीजिए मैं डोमिसाइल हूँ लेकिन मैं ओ बी सी एस सी एस टी मोस्ट बैकवर्ड क्लास से बिलोंग नहीं करती हूँ राजस्थान की ठीक तो आई डोंट थिंक कि इसमें और कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत है अगर मैं इसको नो कर दूंगी तो नो हो जाएगा एच एन एल यू रायपुर एच एन एल यू रायपुर आपको रिजर्वेशन दे रहा है जनरल वेमन के लिए डिफॉल्ट सिलेक्टेड रिजर्वेशन है वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हो ठीक अगर उनके वार्ड्स हो ठीक है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप स्टूडेंट्स हो जेओ जी, जे एंड के मतलब आप जे एंड के रेसिडेंट हो तो आप इसको सिलेक्ट करोगे आर यू और डॉम तो इसमें डिफरेंस क्या है हो सकता है आप जे एंड के में डिसाइड नहीं कर रहे हो आप माइग्रेंट हो ना कश्मीरी माइग्रेंट हो सकता है आप किसी कंट्री के दूसरे पार्ट में डिसाइड कर रहे हो स्टिल आप कश्मीरी माइग्रेंट वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट के कॉलम को सिलेक्ट कर चेक बॉक्स चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो ठीक है आर यू और डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ नहीं हूँ तो नो करूँगी अगर मैं डोम छत्तीसगढ़ की रहने वाली होती मेरे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता उसका तो मैं यस करती कमिंग टू जी एन एल यू गांधी नगर क्लैरिटी है जी एन जे में जे एन के रेजिडेंट्स का रिजर्वेशन भी होता है कुछ सीट्स पर रेजिडेंट्स जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टूडेंट्स को भी रिजर्वेशन जे में प्रोवाइडेड होता है uh, कुछ एन में ये क्राइटेरिया है स्पोर्ट्स कोटा गर्ल्स के लिए अवेलेबल है अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है तो आप यहाँ सिलेक्ट कर लोगे ठीक है उसका क्राइटेरिया पी में ब्रॉशन में रीड कर सकते हो अगर आप रेसिडेंट हो नॉर्थ ईस्ट के तो देखो ऐसे सिलेक्ट करना है सिंपल फॉर्मेट है डोमिसाइल हो तो येस yes, नहीं हो तो नो ओके ऑल राइट सिमिलरली जी एन एल यू सिलवासा का आ चुका है जी एन एल यू सिलवासा में डिफॉल्ट सिलेक्टेड रेजर्वेशन है जनरल एंड वेमेन का इसके अलावा और कुछ नहीं है अब हम बात करते हैं आर एम एन आर एम एल एन एल यू लखनऊ की तो यहाँ पे भी आपका डिफॉल्ट सिलेक्टेड है अब इसमें और रेजर्वेशन आप देखो यहाँ पे uh, कुछ अलग सा है है ना जो बाकियों में मे बी नोट डाउन सन्स डॉटर्स ऑफ डिफेंस पर्सनल डिप्लॉयड इन यूपी और डिफेंस पर्सनल ऑफ़ यूपी आई आईदर रिटायर्ड और किल्ड डिसेबल्ड इन एक्शन तो जो डिफेंस डिफेंस पर्सनल जो यूपी में डिप्लॉयड हैं या डिफेंस पर्सनल जो यूपी के हैं जो रिटायर हो चुके हैं या हु आर किल्ड या जो डिसेबल्ड हैं इन एक्शन ठीक है ड्यूटी पे तो उनके जो बच्चे हैं सन्स और डॉटर्स उनके लिए भी रेजर्वेशन है कुछ सीट्स हैं जो रिजर्वड हैं तो यहाँ पे अगर आप वो एलिजिबल हो आप इसमें तो आप इसको सिलेक्ट कर लेना अगर नहीं है तो कोई बात नहीं वार्डस ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स कश्मीरी पंडित्स कश्मीरी हिंदू फैमिलीज नॉन माइग्रेंट्स अगर कश्मीरी हिंदू फैमिलीज़ हैं जो नॉन माइग्रेंट है कश्मीरी हिंदू फैमिली है तो वो यहाँ पे ही सिलेक्ट करेंगे उनको भी रिजर्वेशन आर एम लखनऊ प्रोवाइड करता है अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हो माइग्रेंट्स uh, हो या वार्ड्स हो या कश्मीरी पंडित्स भी हो तो भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा तो ये आप सिलेक्ट कर लोगे अगर इस क्राइटेरिया में फॉलो करते हो डू यू वॉन्ट टू क्लेम स्टेट लेवल रिजर्वेशन ऑफ उत्तर प्रदेश विच मीन्स अगर आप डोमिसाइल हो तो उसका मीनिंग ये ही है अब इसको अगर मैं देखूँ येस yes, नो no है अगर मैं यस करूँगी सेम फॉर्मेट है ठीक डिपेंडेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स ऑफ उत्तर प्रदेश अगर वो क्राइटेरिया आप राइट right, इस पर फॉल करते हो आप सिलेक्ट कर लेना अदर कोई एलिजिबल ठीक है रिजर्वेशन कैटेगरी जो यूपी में है ई डब्ल्यू एस एस सी एस टी अदर बैकवर्ड क्लास नॉट एप्लीकेबल किसी में मैं फॉल नहीं करती तो मैं नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दूंगी आप जिसमें फॉल करते हो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो अब इसके बाद आर जी एन यू एल पंजाब डिफॉल्ट सिलेक्टेड रिजर्वेशन आ रहा है उसके अलावा एनसेस्ट्रल रेसिडेंट एनसेंस्ट्रल रेजिडेंट ऑफ विलेज सिधूवाल डिस्ट्रिक्ट पटियाला अगर आप उसके एनसेस्ट्रल रेजिडेंट हो इस डिस्ट्रिक्ट के पटियाला के वलेज सिधुवाल के तो आप इसको क्लिक कर दोगे वर्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट जे एंड के रेजिडेंट्स इनको रेजर्वेशन प्रोवाइडेड है आप सिलेक्ट कर लेना एग्जैक्ट फॉर्मेट है अगर आप पंजाब का डोमिसाइल आपके पास है वहाँ के रेजिडेंट हो इसको सिलेक्ट कर लोगे वरना नो कर दोगे तो बेसिकली किसी ना किसी एक स्टेट के आप रेजिडेंट हो गए किसी न किसी एक स्टेट का आपके पास डोमिसाइल होगा तो उस स्टेट को आपको सिलेक्ट करना है ठीक है तो ओवरऑल आपका यहाँ पे रिजर्वेशन का डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा बाकी सब में आप नो करोगे ना तो सी एन एल यू पटना में जनरल का रिजर्वेशन तो है डिफॉल्ट सिलेक्टेड डू यू वांट टू तो क्लेम स्टेट लेवल बिहार रिजर्वेशन अगर आप बिहार के रेजिडेंट हो तो ही आप बिहार का रेजिडेंट रेजिडेंशियल रिजर्वेशन मतलब स्टेट लेवल रिजर्वेशन क्लेम कर पाओगे ना अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आप येस क्लिक करोगे सिलेक्ट करोगे यस अदर एलिजिबल रिजर्वेशन कैटेगरी ई डब्ल्यू एस ऑफ बिहार एस सी एस टी एक्स्ट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज ऑफ बिहार है ना सब कुछ आ रहा है इसमें बैकवर्ड क्लासेज नॉट एप्लीकेबल इनमें से आप किसी एक में तो फॉलो करोगे ना अगर आप बिहार का डोमिसाइल है आपके पास नहीं है तो नो हो जाएगा येस yes, तो फिर इसमें सेलेक्ट कर लेना आपका ई डब्ल्यू एस है एस सी एस टी एक्स्ट्रीमली बैकवर्ड क्या आपका कैटेगरी यहाँ पर फॉलो करता है नॉट एप्लीकेबल तो नॉट एप्लीकेबल है ठीक है तो इस टाइप से एन एल यू नुआल्स कोची सेम फॉर्मैट आर यू आर नेटिव ऑफ़ केरला उसका मीनिंग वही है नेटिव ऑफ केरला डोमिसाइल है क्या आपके पास केरला का अगर है है तो यस वरना नो जे एंड के माइग्रेंट हो या नहीं जे एंड के का रिजर्वेशन नुआल्स कोची में भी है ठीक है जे एंड के माइग्रेंट्स को ठीक अब एन एल यू ओ एन एल यू ओ में भी सेम फॉर्मैट है राइट इसको यस नो फिल करो एन यू एस आर एल रांची का भी सेम फॉर्मेट है ठीक है अगर आप रेसिडेंट हो झारखंड के तो आप इसे सिलेक्ट कर लेना वरना तो नो no फिल करना है ऑल राइट right. तो इस हिसाब से आप सारा इसमें फॉर्म अपना फिल कर सकते हो अगर मैं सब में अब मैं नो no फिल करूंगी मान लीजिए मैंने एम पी वाले में येस yes किया ना मेरे पास उसका अगर डोमिसाइल है अच्छा यहाँ पे मीन जो सेंटेंस है उसमें वर्ड्स डिफरेंट यूज़ हुए होंगे जैसे आर यू आर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम मतलब आपका परमानेंट जो एड्रेस है क्या वो आसाम का है रेसिडेंट आप वहाँ के हो रेसिडेंट जहाँ रिसाइड करते हो अगर हाँ है तो यस करोगे नहीं है तो नो करोगे तो मीनिंग वही है आर यू आर रेसिडेंट ऑफ़ झारखंड आर डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट डोमिसाइल रेसिडेंट वो जो वर्ड से पूछ रहे हैं वो यही पूछ रहे हैं कि बॉस आपके पास उस पर्टिकुलर स्टेट का रेसिडेंट आप उसके रेसिडेंट हो या नहीं या आपके पास उसका डोमिसाइल है या नहीं ऑल राइट अब डी एस एन एल यू विशाखापट्टनम उसका भी वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स कश्मीरी पंडित्स कश्मीरी हिंदू फैमिलीज जो नॉन माइग्रेंट है उनका आ, कुछ सीट्स पर रिजर्वेशन उनको प्रोवाइड किया जाता है स्टेट लेवल रिजर्वेशन जो आंध्र प्रदेश का होगा वो स्टेट के बच्चों को मिलेगा तो उस स्टेट में अगर आंध्र प्रदेश के आप बच्चे हो मतलब अगर आप वहाँ के रेजिडेंट हो तो आप इसे येस सिलेक्ट कर लोगे वरना नो सिलेक्ट करोगे ठीक है तो मैं इसको नो सिलेक्ट कर लेती हूँ टी एन एन एल यू तिरुचिरापल्ली तो इसमें भी आपका कश्मीरी माइग्रेंट्स पंडित कश्मीरी हिंदू फैमिलीज नॉन माइग्रेंट्स का रिजर्वेशन है तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे बाकी आ, इसमें मेरा अब नो आ जाएगा अगर आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हो आप इसको येस करोगे एम एन एल यू मुंबई सेम फॉर्मेट एट वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विस मैन डिफेंस पर्सनल अगर आप डिफ़ेंस पर्सनल के यू नो वार्ड्स हो तो आप इसको सिलेक्ट कर लोगे वहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है जे एंड के रेसिडेंट्स के लिए भी है ठीक डू यू वांट टू क्लेम स्टेट लेवल रिजर्वेशन ऑफ महाराष्ट्र नो अब मैं एम एन एल यू नागपुर नो अगर आप महाराष्ट्र को बिलोंग करते हो फ़ायदा क्या है जितने भी एन एल यू महाराष्ट्र में है उसमें वो रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आप फॉल करोगे एम एन एल यू औरंगाबाद मैं तो नो नो करूंगी क्योंकि मैं बिलोंग नहीं करती ना मैं महाराष्ट्र से अगर नहीं हूँ तो एच पी एन एल यू शिमला सेम फॉर्मैट ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आई होप अब एक एक को मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है एक बार मैं समझा दिया आपको समझ में आ गया होगा uh, आप लोग इतने स्मार्ट तो हो आर यू आर् डोमिसाइल ऑफ़ हिमाचल प्रदेश नो एम पी डी एन एल यू जबलपुर अगर मेरा एम पी का डोमिसाइल है अगर मैं जे एंड के रेजिडेंट नहीं हूँ तो मैं यहाँ येस yes, सेलेक्ट करूँगी ठीक येस yes, सिलेक्ट करने के बाद क्या आ रहा है स्टेट लेवल डिफॉल्ट सिलेक्टेड रिजर्वेशन जनरल अगर क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ सन ग्रैंड सन डॉटर ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर आप किसी फ्रीडम फाइटर के सन ग्रैंड सन डॉटर या ग्रैंड डॉटर हो या वार्ड्स ऑफ वार वॉर मार्टियर ठीक है वार्ड्स ऑफ वॉर मार्टियर अगर हो मतलब वॉर मार्टियर जो हुए हैं इंडिया की जितनी भी वॉर्स हुई हैं अगर आपकी आप उनके वार्ड्स हो ठीक है ऑफ डिफेंस पर्सनल एंड परमानेंटली डिसबल्ड पर्सनल ऑफ़ इंडियन फोर्सेस अगर डिफेंस पर्सनल कोई ऐसा है जो परमानेंटली डिसएबल हो गया है ड्यूरिंग ड्यूरिंग ड्यूटी डिपेंडेंट चिल्ड्रन ऑफ द एक्स सर्विस मैन ऑफ सी आर पी एफ या इंडियन आर्मी अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉलो करते हो तो आप इसको चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लोगे यहाँ पर क्लियरली आपको डिस्क्लेमर आ रहा है कि प्लीज़ ब्रॉशर रीड कर लो एक बार डिटेल्स के लिए क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा फॉर द सेम मैं इसको डी सिलेक्ट कर रही हूं अदर एलिजिबल रिजर्वेशन कैटेगरी एस सी ऑफ मध्य प्रदेश एस टी ऑफ एम पी ओबीसी ऑफ एम पी एस ऑफ एम पी नॉट एप्लीकेबल अगर आप इन चार कैटेगरी में से मान लो फॉल करते हो वो सिलेक्ट कर लोगे अगर नहीं फॉल करते नॉट एप्लीकेबल पे एन एल यू सोनीपत सेम फॉर्मेट वार्ड्स ऑफ लैंड ओनर्स ऑफ आर जी ई सी ठीक है तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप फॉलो करते हो सेम क्राइटेरिया आर यू आर डोमिसाइल ऑफ हरियाणा नो फाइनली एनएलयू तिरु एनएलयू त्रिपुरा और एनएलयू अगरतला इसमें डिफॉल्ट सिलेक्टेड रिजर्वेशन ऑलरेडी है जनरल और कोई रिजर्वेशन अभी इसमें नहीं है ठीक है अब हमने सारी डिटेल्स फिल कर ली हैं नाउ लेट्स रीड वॉट्स गिवन हियर इन केस ऑफ एन आर आई पी आई ओ ओ सी आई एन आर आई स्पॉन्सर्ड कैटेगरीज एन आर आई हो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया पी आई ओ सी आई ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया एन आर आई स्पॉन्सर्ड हो इनमें से किसी भी अगर क्राइटेरिया में आप फॉलो कर रहे हो ठीक है कैंडिडेट्स विल बी अलॉटेड अ क्लैट रैंक आपको क्लैट का ही रैंक मिलेगा ऐसा नहीं है एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा ना अगर आप एन आर आई स्पॉन्सर्ड भी हो आप एन आर आई हो पी आई हो ओ सी आई एन आर आई स्पॉन्सर्ड कुछ भी इन चारों कैटेगरीज में से फॉलो कर रहे हो एग्ज़ाम दोगे क्लाट का रैंक आएगा उसके बेसिस पे आपको एलोकेशन uh, होगा एन का ठीक है हाउ एवर सच कैंडिडेट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दी एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस एडमिशन जो काउंसलिंग होगी उसमें आपको इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि इनकी सीट्स ऑलरेडी अवेल अलग से भी होती है ना एन आर आई स्पॉन्सर्ड कैटेगरीज की और सबकी कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू डायरेक्टली अप्रोच द रिस्पेक्टिव एन एल यू विद देयर रैंक्स फॉर एडमिशन मान लीजिए जी में एनआरआई आर की कुछ सीट्स अवेलेबल हैं ठीक है थीके? तो वहाँ पे अगर आपका जो भी क्लाइट का रैंक है उस क्लाइट के रैंक के बेसिस पे अगर उस एनएलयू में एनआरआई की पीआईओ की ओसीआई की एनआरआई आर की सीट्स हैं आप वहाँ उनको अलग से डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो उस एन को कि मेरा ये क्लाइट का रैंक है मैं इस कैटेगरी में फॉल करता हूँ मुझे एडमिशन चाहिए अगर आप फॉल करोगे रैंक के साथ तो आपको एडमिशन दे दिया जाएगा अगर आप एलिजिबल हो तो क्योंकि इनका फ़ी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है ठीक है फीस ओके सो अब यहाँ पे क्या लिखा है वो रीड कर लेते हैं आई डू हियर बाय सोलमली अ फॉर्म एंड स्टेट दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स अपलोडेड आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड नो मटेरियल इंफॉर्मेशन हैज़ बिन कंसील्ड ऑब्वियसली ना इसको सिलेक्ट करना होगा इसको तभी तो हम एक बार हमने बोलते कि हाँ बॉस हमने अपना जो डिटेल्स है वो सही फिल किया है इसको सिलेक्ट कर देंगे तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमने गलती नहीं की अगर कल को गलत कोई डॉक्यूमेंट गए तो वो हमारी मिस्टेक है हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया ये चीज़ ठीक है प्लेज ले लिए आई डू हियर बाई सिलेक्ट कंसेंट डो नॉट कंसेंट अगर मैं कंसेंट देती हूँ कि हाँ मेरी कंसेंट है डेट माई डिटेल्स मे बी शेयर विथ एनी थर्ड पार्टी किसी भी थर्ड पार्टी के साथ आपकी शेयर कर सकते हैं हम डिटेल्स तो आप कंसेंट डाल देना अगर आपको ऐसा है कि आपको शेयर नहीं करनी है तो आई डू नॉट कंसेंट दैट माई डिटेल्स मे बी शेयर विथ एनी थर्ड पार्टी ठीक है सबमिट द फॉर्म ओके सबमिटेड सब कुछ हो गया है यहाँ आपकी फोटोग्राफ आ जाएगी यहाँ आपका सिग्नेचर आ जाएगा ठीक मैंने अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ अटैच नहीं किया है दूसरा इमेज फॉर्मेट अभी अटैच किया इसलिए आपको विजिबल नहीं है क्योंकि आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे फॉर्म को फ़िल करना है एप्लीकेशन फॉर्म आपको फ़िल करना है यहाँ आपकी फ़ोटोग्राफ आएगी यहाँ सिग्नेचर आएगा अब देखो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा आपका जो एप्लीकेशन नंबर है ठीक उसके बाद एप्लीकेंट का नेम जो आपका नेम होगा डेट ऑफ बर्थ प्रोग्राम अप्लाइड यूजी होना चाहिए स्टेटस सबमिटेड बट पेमेंट पेंडिंग है पैसे नहीं दिए अभी ठीक है पैसे देने पड़ेंगे फॉर्म फिल करने के बाद अभी ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन होगा ई वेरीफाइड है जब आप लॉग इन करते हो ना उसके बाद क्लियरली सबसे पहले आता है कि ई मेल वेरीफिकेशन पेंडिंग आपको सिंपल एक ओ फिल करना होगा दैट्स इट ई मेल वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद क्या लिखा है यू कैन एडिट द फॉर्म यू कैन एडिट द फॉर्म अंटिल द रजिस्ट्रेशन आर ओपन थर्ड ऑफ नवंबर तक जब तक रजिस्ट्रेशन ओपन है एप्लीकेशन फॉर्म के तब तक आप इसको एडिट कर सकते हो जैसे ही रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म है रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज जाएगा नहीं ऑब्वियसली आप एडिट कर सकते फिर क्लिक ऑन दी एडिट एप्लीकेशन फॉर्म बटन टू मेक चेंजेस टू योर एप्लीकेशन फॉर्म इन रिजर्वेशन कैटेगरी अगर कोई चेंजेस करने हो कुछ हो एक बार कंफर्म कर लेना उसके बाद ही पैसे देना और फॉर्म फिल करना ठीक है एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर सकते हो अगर आपको वापस से एडिट करना हो अगर आपको इस एप्लीकेशन को डिलीट करना है कि नहीं मुझे नया एप्लीकेशन फिल करना है तो आप डिलीट कर सकते हो एन की प्रेफरेंस को आपको अगर अपडेट करना है तो वो यहाँ से होगा मेक पेमेंट पर पे जाएंगे अगर हमें कि हमें लगता है कि हमने सब कुछ कर दिया है अब मतलब सारी डिटेल सही है अब मुझे पेमेंट मेक करनी है मान लीजिए मुझे चेंजेस करने हैं अगर मुझे अपडेट एन एल प्रेफरेंस पे जाना है ठीक है क्योंकि हमने अभी प्रेफरेंस मैंने शायद आपको एक्सप्लेन नहीं की थी ठीक तो यहाँ क्या डिटेल्स मैंशन है वो देख लेते हैं कैंडिडेट्स कैन अपडेट देयर प्रेफरेंसेस एनी नंबर ऑफ टाइम्स अंटिल द लास्ट डेट इलेवन फिफ्टी नाइन पी एम थर्ड ऑफ नवंबर नोट दिस डेट तीन नवंबर से पहले पेमेंट आपको करने से भी पहले दो यहाँ पे कंडीशन है तीन नवंबर से पहले या तीन नवंबर तक इलेवन फिफ्टी नाइन पी एम तक सेकेंड कंडीशन पेमेंट नहीं करनी है एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करना है उससे पहले ओके तो आप कितने भी बार प्रेफरेंस अपनी चेंज कर सकते हो ओके प्रेफरेंस ऑफ एन एल आपका पहला प्रेफरेंस क्या होगा एन एल यू का कहाँ जाना पसंद करोगे अगर आपकी मान लीजिए सेकेंड रैंक आती है आप एन एल एस आई यू जाना पसंद करोगे या लेट्स से जी एन एल यू जाना पसंद करोगे कोई और एन एल यू जाना पसंद करोगे लाइक वाइज ठीक एनी रिक्वेस्ट फॉर अ चेंज इन प्रेफरेंस फॉर एडमिशन टू एनालियूज आफ्टर दिस डेट विल नॉट बी एकोमोडेट सिंपल इंग्लिश कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर ओनली दोज एनएलूज फॉर विच दे हैव प्रोवाइडेड दी प्रेफरेंस आपको उन्हीं एनालियूज़ के लिए कंसिडर किया जाएगा एडमिशन के टाइम पर जब आपकी रैंक आ गई होगी स्कोर आ गया होगा जो आपने यहाँ फिल किए हैं फिल नहीं किया है नहीं कंसिडर करोगे उ, 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 आपको कंसिडर किया जाएगा उन एनलियूज़ के लिए बिफोर फिलिंग द प्रेफरेंस फॉर्म फॉर एडमिशन टू एन एलियूज कैंडिडेट्स कैंडिडेट्स मस्ट चेक द रिस्पेक्टिव एन एलियूज ब्रॉशर टू कन्फर्म दैट दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन द प्रोग्राम देट दे आर फिलिंग इन दे प्रेफरेंस लिस्ट इस पर कुछ भी एक्सप्लेन करने की आई डोंट थिंक मुझे ज़रूरत है चेक कर लेना ब्रॉशर्स अगर आपको चेक करना हो प्लीज़ नोट देट एवरी टाइम यू प्रोवाइड न्यू प्रेफ्रेंसेज योअर प्रीवियसली सेव्ड प्रेफरेंस विल बी डिलीटेड अगैन एन ओबियस थिंग जो आपको एक्सप्लेन की गई है नया प्रेफरेंस डालोगे एडिट करोगे क्योंकि तीन नवम्बर तक ओपन है आपने अभी पैसे नहीं भरे हैं एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया है सेव किया है कि ठीक है अगर कोई चेंजेस करने होंगे प्रेफरेंस में मैं कर दूंगी या कर दूंगा क्योंकि तीन नवंबर तक की डेट है अभी क्या चल रहा है जुलाई चल रहा है है ना तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो ठीक है अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं क्लिक हियर टू गो टू द होम पेज होम पेज पे लेके चला जाएगा जो एप्लीकेशन फॉर्म का है आपका ठीक है सिलेक्ट द प्रेफरेंसेस अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर ऑफ इंटरेस्ट पहला प्रेफरेंस क्या होगा एन एल एस आई यू बैंगलोर अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं अगर आप नंबर वन एन एल यू में जाना चाहते हो जो क्लैट के थ्रू है एन एल यू डेली का तो अलग से एग्जाम है आप एन एल एस आई यू बैंगलौर को सिलेक्ट कीजिए प्रेफरेंस टू आपकी नालसार हैदराबाद जनरली बच्चों की होती है बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं लेट से जो फॉर uh, एग्ज़ाम्पल अगर आप uh, नालसार हैदराबाद का एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ या लेट से uh, मैं अगर एमपी से बिलोंग करती हूँ और मुझे ऐसा है कि मैं पढ़ाई भी अच्छे से कर रही हूँ और मेरा रैंक भी अच्छा आ जाता है स्टिल मेरा प्रेफरेंस मान लीजिए बैंगलोर नहीं है और मैं भोपाल से पढ़ाई करना चाहती हूँ एन से तो मैं एन को पहले प्रेफरेंस पर रख सकती हूँ मेरी चॉइस थी ना अगर मान लो मेरा टेंथ रैंक भी आया एग्जाम्पल दे रही रो किसी का भी टेंथ रैंक आया और उसका प्रेफरेंस है कि मैं अपने स्टेट से ही पढ़ाई करूँ है ना तो मान लीजिए आप कोलकाता से हैं आपको कोलकाता ही रखना आप प्रेफरेंस वन कोलकाता रख दीजिए जनरली जो टॉप वो जो लिस्ट होती है ना एन एल यूज़ की वो होती है रैंक वाइज जो बच्चे प्रेफर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उस एन एल यू को तो जनरली नंबर वन पे तो एन एल होता है अगर आपको वैसे प्रेफरेंस फिल करनी है तो इस टाइप से कीजिएगा हैदराबाद थर्ड प्रेफरेंस आपकी हो सकती है इनमें से एन यू एस कोलकाता फोर्थ पे आप अब यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपकी प्रेफरेंस है ये किसके अकॉर्डिंग हो रही है ये भी चेक करो देखो यहाँ पे जो दो कोर्सेज अल अलग अलग है जैसे एन के तो उसमें आपको ऑप्शन आ रहा है कि अगर आप बी एल ऑनर्स करना चाहते हो एन से तो वो वाला ऑप्शन प्रेफरेंस में फिर बी एस सी ऑनर्स का भी ऑप्शन आएगा आपके पास अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो क्या डिफरेंस है बी देखो दो दो लेवल पे आपके आप बेसिकली आपको दो डिग्री मिल रही है ना प्रोफेशनल डिग्री बी की भी और एल एल ऑनर्स तो बी एस सी ऑनर्स साथ में आप कर रहे हो अगर आपको बी जैसे मेरा बी एल एल ऑनर्स है ठीक है तो बी एल एल करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो बी एस सी एल एल ऑनर्स करना है साइबर सिक्योरिटी में वैसे सिलेक्ट कर सकते हो क्या इससे आपका जो भी जॉब्स होती हैं लेट्स से कॉरपोरेट जॉब आपको प्लेसमेंट्स में बैठना है प्लेसमेंट्स प्लेसमेंट चाहिए या आपको आ, हो सकता है प्रैक्टिस करनी हो कुछ और करना हो तो को, कोई इम्पैक्ट क्रिएट होता है अगर आपकी डिग्री मान लीजिए बी एल एल बी ऑनर्स है या बी कॉम है या आप बी एस सी सेलेक्ट करते हो तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है क्योंकि आप जो ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ साथ में आप इंटर्नशिप्स करते हो बहुत कुछ और कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हो लॉ तो आपका मेन फोटे है ना तो ऐसे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है आम, राइट तो लेकिन आपका इंटरेस्ट है अगर आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है बीएलएलबी ऑनर्स कर सकते हो उसमें पॉलिटिकल साइंस पॉल साइंस है इकोनॉमी इकोनॉमिक्स है तो बहुत कुछ आपको वैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं बीबीए है तो बीबीए वाले सब्जेक्ट्स मिलेंगे बीकॉम कॉम है तो जो बी काम नॉर्मली होगा बी कॉम बी कॉम एल एल बी ऑनर्स अगर आप करते हो तो अकाउंट्स uh, हैं और यू uh, नो you know, दूसरे और सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ने को मिलेंगे बिजनेस स्टडीज़ हैं बी एस सी में भी आपको जो साइंस स्पेसिफिक जैसे यहाँ साइबर सिक्योरिटी लिखा है ना इसके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे विथ uh, किसके साथ लॉ के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ लॉ तो पाँच साल पूरा पढ़ना है ये दो साल में या दो साल में मोस्टली या तीन साल में फिनिश हो जाता है जो तीन साल में जो आप बी ए बी कॉम बी बी ए जो भी सिलेक्ट करते हो ठीक है तो अगर बच्चों का किसी का डाउट है कि अरे मैं कौन सा सिलेक्ट करूं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये सिर्फ एन एल लाई ने ऐसे वाईफिकेशन किया है बाकी एन एल यूज़ का देखो उन्होंने नहीं किया है क्योंकि वो आपको बाद में चॉइस देते हैं एक ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी थर्टी सेकेंड्स में इसको सम अप करती हूँ कि जब मैं कॉलेज में गई थी तो मैंने बी एल एल बी ऑनर्स ऑप्ट किया था Uh, हमें थोड़ा टाइम दिया गया था 15 डेज़ का या वन अराउंड 15 डेज़ का टाइम मिला था टू डिसाइड uh, कि हमें इसी स्ट्रीम को परस्यू करना है या किसी और स्ट्रीम में स्विच करना है बीएससी एलएलबी uh, में स्विच करना है बीकॉम एलएलबी बीबी एलएलबी है ना किसी और में भी आप स्विच कर सकते हो मैंने स्विच नहीं किया था मुझे बी एल ऑनर्स ही ठीक लगा था तो बच्चे स्विच करते हैं आपको वो टाइम फ्रेम मिलता है सो so, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा जैसे एन यू एस में भी अगर आपको मान लीजिए एन यू एस में दो ऑप्शन दिख रहे हैं एक तो नॉर्मल आपका स्ट्रीम यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली बी एस सी एल एल बी ऑनर्स क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक में करना है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो इन ऑर्डर टू अपलाई फॉर बी एस सी एल एल बी प्रोग्राम एट द वेस्ट बेंगलॉलॉलॉल यूनिवर्सिटी द कैंडिडेट्स मस्ट हैव स्टडीड साइंस इन ग्रेट ट्वेल्व ऑब्वियसली तो यहाँ पे ये एडिशनल क्राइटेरिया है कि अगर आपको बी एस सी परस्यू करना है तो क्लास ट्वेल्व आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए ठीक है इफ़ अ कैंडिडेट फिल्ड बी एस सी एल एल बी प्रोग्राम इन दरअ प्रेफरेंस लिस्ट फॉर एडमिशन टू एन एंड यूज एंड अपॉन वेरीफिकेशन इट इज़ फाउंड देट डू नॉट देट दे डो नॉट सेटिस्फाई दैन दिस कंडीशन दिस सीट विल बी कैंसल डॉ ट्वेल्थ में जिनका साइंस है जिनका साइंस स्ट्रीम था या है वो ही बी एस ऑनर्स को ऑप्ट कर लीजिएगा सिंपल है ना क्योंकि जिनका साइंस नहीं था फिर उनको कैसे समझ में आएगा आप बैचलर जो आपका डिग्री होगा बीएससी का वो आप कैसे इसमें सिर्फ मतलब कर पाओगे है ना ऑब्वियस सी बात है तो मान लीजिए आपको एन 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 यू एस से ही बीएससी एस ऑनर्स करना है तो तो सिलेक्ट करना वरना दूसरे एन को आप यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हो तो लेट से मैंने एन यू को यहाँ प्रेफरेंस दे दीजिए दे दी है और मान लीजिए मैं एक ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट हूँ या स्ट्रीम की हूँ ठीक है तो मेरा प्रेफरेंस ये तो नहीं होगा मैं क्या प्रेफर करूँगी अब फोर्थ पे आप के पास तीन ऑप्शन हैं अच्छे एन के जी एन जोधपुर जोधपुर एन मेरे हिसाब से आप एन जोधपुर को यहाँ पर रखिए ठीक है उसके बाद फिफ्थ प्रेफरेंस पे आप रख सकते हैं जे एन एल यू ये मैं थोड़ा सा रैंकिंग ऑर्डर के हिसाब से भी बता रही हूँ ये उन स्टूडेंट्स के लिए खासकर कर इम्पॉर्टेंट है मान लीजिए जो अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं या जिनको कॉन्फिडेंस है मान लीजिए जिनकी रैंक वाइज स्कोर अच्छा आ रहा है तो एक आइडियल एन एल यू का प्रेफरेंस कैसा होना चाहिए मैं वो बता रही हूँ हो सकता है आप जोधपुर के हो आप मतलब राजस्थान के हो और आप जोधपुर से पढ़ाई करना चाहते हो तो आप एन एल एस आई हो बैंगलोर की जगह फर्स्ट नंबर पर जोधपुर रखोगे अगर आप जोधपुर रखोगे तो क्या होगा मान लीजिए आपकी uh, मान लीजिए आपकी फ़र्स्ट रैंक आई है तो जनरली जो टॉपर्स होते हैं वो बैंगलौर जाना पसंद करते हैं लेकिन आपकी फ़र्स्ट रैंक आई है तो आप जोधपुर ही जाओगे आप बैंगलौर नहीं जाओगे क्योंकि आपकी प्रेफरेंस ही थी कि मेरा जो भी रैंक रैंक के अकॉर्डिंग ही एनिलयूज मिलते हैं ठीक ये ध्यान रखना पर आपकी प्रेफरेंस ही जोधपुर थी तो जोधपुर जाओगे मान लीजिए 200 बच्चे हैं उन 200 बच्चों में से आपका रैंक 99 है और आपको अगर बैंगलौर जाना है तो अगर बैंगलौर में सिर्फ 60 सीट्स अवेलेबल है एग्जाम्पल दे रही हूँ तो आपका बैंगलौर पहला प्रेफरेंस अगर है वहाँ नहीं जाओगे सेकेंड प्रेफरेंस अगर आपका हैदराबाद है हैदराबाद में अगर हंड्रेड रैंक तक ले रहे हैं जो बच्चे हैं वो हंड्रेड रैंक तक उनका एडमिशन हो गया है रैंक के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर नाइन्टी नाइन नंबर पर आप हो और आपका हैदराबाद सेकेंड प्रेफरेंस है आपको हैदराबाद मिले मिलेगा ठीक है सेकेंड प्रेफरेंस का लेकिन अगर मान लीजिए आपकी सेकेंड प्रेफरेंस जी एन एल यू गांधी है तो आप जी एन एल यू गांधी में जाओगे हैदराबाद नहीं मिलेगा क्योंकि वो आपकी सेकेंड प्रेफरेंस नहीं थी और आपकी रैंक भी अच्छी आई है अच्छी रैंक तो आई है लेकिन आपका सेकंड प्रेफरेंस जी है तो जी जाओगे आप क्योंकि वहाँ भी एक लिमिट होगी ना रैंक्स की मान लीजिए जी में 500 रैंक तक एडमिशन आराम से हो जाता है मान लीजिए क्योंकि बच्चे वैसे प्रेफर करते हैं और आपका 99 है तो आपका जी तो आराम से हो जाएगा आपका अगर सिक्स रैंक है और आपका जी एन एल यू है तो आपका शायद एडमिशन पहले काउंसलिंग में ना हो आई होप ये क्लियर है और अगर ये क्लियर नहीं है तो मैं डिटेल में एक प्रेफरेंस का एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं रैंक लिस्ट के साथ इस ये क्या मीन कर रहा है ना आराम से आपको समझाती हूँ आज हम एप्लीकेशन फॉर्म पूरा समझ लेते हैं प्रेफरेंस लिस्ट और एन की रैंकिंग का मैं पूरा वीडियो एक डेडिकेटेड अलग से आपको लेकर आऊँगी आपके लिए और आप समझ जाओगे उससे इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं फिफ्थ प्रेफरेंस सिक्स्थ प्रेफरेंस पे आप रखें जो आपका प्रेफरेंस है मान लीजिए अगर मुझे लग रहा है कि मैंने जोधपुर गांधीनगर में भोपाल को रख सकती हूँ बी एल ऑनर्स अगर मैं साइंस स्ट्रीम की नहीं हूँ अगर मैं हूँ और मुझे भोपाल से ही पढ़ाई करनी है तो मैं बी एस ऑनर्स भी ले लूँगी मतलब मुझे करना भोपाल से और अगर मेरा साइंस स्ट्रीम है तो मैं इसको पिक कर सकती हूँ सेम फॉर्मेट है ठीक है अब इसके अलावा अब जैसे एट पे आपकी प्रेफरेंस अब कौन सी होगी तो ये जो लिस्ट है उसमें रैंकिंग के हिसाब रैंक ऑर्डर के हिसाब से मैं लखनऊ को पिक करूंगी फिर मैं अगर मान लीजिए मुझे बी एस सी एन एल बी नहीं करना है तो मैं यहाँ पे लखनऊ को पिक करती अब मैंने यहाँ पिक कर लिया तो वो ऑप्शन नहीं आ रहा है उधर साइड मैं इसमें मान लीजिए कुछ अभी मैं सिर्फ हटाने के लिए पिक कर रही हूँ ठीक है ये लखनऊ आ गया प्रेफरेंस सेवन प्रेफरेंस एट आपका क्या हो सकता है एन एल यू ओडिशा इज अ गुड एन एल आप वो पिक कर सकते हो रायपुर पिक कर सकते हो आपके ऊपर है अगर आपको एच एन रायपुर से पढ़ाई करनी है तो आप वो पिक कर सकते हो मान लीजिए नहीं मुझे उड़ीसा करना है आप उड़ीसा भी पिक कर सकते हो दोनों मैं यहाँ पे ऑप्शन ओपन रख रही हूँ यहाँ जो प्रेफरेंस होगी वो लखनऊ हो। उड़ीसा रायपुर आपकी चॉइस से होगी मेरे हिसाब से लखनऊ होना चाहिए उड़ीसा होना चाहिए और यहाँ मैं मान लीजिए रायपुर को रखती हूँ ठीक है उसके बाद तो इस हिसाब से आप सारा प्रेफर कर सकते हो अपने लिस्ट ऑफ एन एल जहाँ से आपको पढ़ाई करनी है मान लीजिए आपको एन से पढ़ाई करनी है भले बीएससी मिल जाए आपका साइंस स्ट्रीम है तो आप पहले उसे सिलेक्ट करोगे हो सकता है फिफ्थ सिक्स नंबर पे उसको सिलेक्ट करो ऐसा नहीं है कि ये ख़राब है ये अच्छा है वो तो मान लीजिए मैं साइंस स्ट्रीम की हूँ नहीं तो मेरा फायदा क्या उसको सिलेक्ट करने का है ना तो मैं वो पहले नहीं रखूँगी ठीक तो अभी मैं एक ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसे फ़िल कर रही हूँ इतना तो क्लियर होगा इसमें कोई डाउट नहीं होगा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं इस पर डिटेल मैनर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी वापस से एक वीडियो लाकर इस पर ठीक है सो जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी इस प्रेफरेंस लिस्ट को फिल किया है मैं डिटेल में इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी जहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगी कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट किस मैनर में हो सकती है एज इट इज़ आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट फिल करना हो नेसेसरी नहीं है हर एक का रिक्वायरमेंट इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है राइट पर एक प्रेफरेंस लिस्ट का ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे फ़िल करना है वो मैं डेडिकेटेड वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी यहाँ अगर आप देखोगे तो मैंने जो सेटअप किया है वो मेरी जो एक आइडियल स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए प्रेफरेंस लिस्ट Uh, उसके हिसाब से कि बैंगलॉर हमने रखा है हैदराबाद सेकंड प्रेफरेंस थर्ड अगर एन यू जे एस है एन यू जे एस में भी दो ऑप्शन है अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो तो वो आपकी प्रेफरेंस यहाँ आ सकती है हो सकता है आप एन यू जे एस से बी एस सी एल एल बी एस सी एल एल बी ऑनर्स करना चाहते हो राइट पर फ़िलहाल के लिए मैंने इसको जो फ़िल किया है सारे थर्टी वन हमने यहाँ पर फिल करने हैं क्योंकि राइट थर्टी वन नहीं है आपकी ट्वेंटी नाइन प्रेफरेंस होंगी जो बी एस सी वाली जो क्राइटेरिया है वो ऑप्शनल है आप चाहो तो उसको फिल नहीं करोगे स्किप करोगे चलेगा आपको करना क्या होगा अपडेट प्रेफरेंसेस पे जाके सिलेक्ट करना होगा आर यू श्योर यू वॉन्ट टू अपडेट हाँ ओके okay करना है सिंपल ठीक है ये आपकी प्रेफरेंस जैसे एक मैंने सेट की है वो यहाँ पे आपको दिख रही होगी राइट right? इस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ देखते हैं कि क्या और हमारा रिमेनिंग रह गया इफ़ यू वॉन्ट टू गिव अ न्यू सेट ऑफ प्रेफरेंस यू कैन डू डैड बाई क्लिकिंग ऑन द न्यू प्रेफरेंस बटन कहाँ पर है ये रहा। अगर आपको अपडेट करना होगा अपना प्रेफरेंस लिस्ट वॉट यूर सपोज टू डू न्यू प्रेफरेंस पे क्लिक कर देना है जब आप न्यू प्रेफरेंस पे क्लिक करोगे तो ये देखो आप आपके पास आ गए थर्टी वन ऑप्शन यहाँ पर क्यों आए हैं आप देखो यहाँ क्लियरली लिखा है रेड कलर से प्लीज़ नोट देट एवरी टाइम यू प्रोवाइड न्यू प्रेफरेंसेज योर प्रीवियसली सेव्ड प्रेफरेंसेस विल बी डिलीटेड सिंपल मीनिंग है अगर मैं न्यू प्रेफरेंस पे क्लिक करूंगी तो और फिल करके जब यहाँ पे अपडेट कर दूँगी ना तो ये जो ऊपर वाली हमने प्रेफरेंस रखी है ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी ये कब तक अवेलेबल है ऑप्शन थर्ड ऑफ नवंबर या एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर्म को पेमेंट की पेमेंट करने से पहले फिल करने से पहले ठीक है तो ये तो आई थिंक क्लैरिटी है इस पर इस पर भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए मैं उसको भी नेक्स्ट uh, जो डेडिकेटेड डेडिकेटेड प्रेफरेंस वाला हमारा वीडियो होगा उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ठीक है तो अगर हमें न्यू प्रेफरेंस नहीं चाहिए कैंसिल कर दो है ना तो ये जो हमारी प्रेफरेंस है इसके बेसिस पे अब ये सेव हो चुका है ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पर सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना क्यों क्योंकि ये सेव है ऑलरेडी होम पेज पर जाना है बस अब मुझे यहाँ से फिलहाल के लिए मैंने न्यू प्रेफरेंस में क्लिक नहीं कर रही हूँ अगर हमारी यही प्रेफरेंस होने वाली होगी मैं इसको एक बार चेक कर लेती हूँ राइट एक बार ये भी आपको क्लियर है ना स्टूडेंट्स सारे पॉइंट्स से क्लियर है यहाँ पे क्लियरली मैंशनड है इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है अब मैं होम पेज पर पे जाती हूँ आ गया फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर डिटेल्स मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करूँगी अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा जनरल कैटेगरी है फोर थाउजेंड का फॉर्म है यहाँ पे मेंशन आ चुका है डू यू वांट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लैट कंसोटियम से रिक्वायर्ड है मैं येस yes करूँगी उसका पाँच सौ रुपये अलग से चार्ज होगा आपका ठीक है अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स क्लैट के न्यू पेपर पैटर्न पर क्लैट कंसोटियम से रिक्वायर्ड नहीं है फाइव नहीं देना है नो no क्लिक कर देना फोर थाउजेंड हम कंटिन्यू करेंगे ये जो एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ी है ये वेरी करता है ना जो दूसरी जैसे फॉर एग्जांपल जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते उनके लिए थर्टी फाइव हंड्रेड का फॉर्म है राइट right? तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा आपको बस कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करना है ओके okay करना है देखो अब ये आपका पेमेंट पे और जैसे ऑनलाइन पेमेंट होता है सिंपल प्रोसेस है, है ना द अमाउंट पेबल इज़ फोर थाउजेंड देर विल बी एन एडिशनल ट्रांजेक्शन फी चार्ज बाई द पेमेंट गेट वे रेजर पे जैसे एक पेमेंट गेट वे का एग्जाम्पल दे रही हूँ तो पेमेंट गेट वे जो चार्ज करेगा वो ट्रांजेक्शन फी होगा थोड़ा बहुत बस पे नाउ पे क्लिक करेंगे ये देखिए बहुत सॉर्टेड प्रोसेस है जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो किसी भी ई कॉमर्स साइट पर वैसे आपका यहाँ पे पेमेंट हो रहा है फोन पे का ऑप्शन है पेटीएम का ऑप्शन है मैं फोन पे पे क्लिक करूंगी मान लो तो मेरे पास वो ऑप्शन है यूपीआई का ऑप्शन है नेट बैंकिंग का ऑप्शन है कार्ड का ऑप्शन है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हो है ना रेजर पे से ही ये पेमेंट गेट का रेजर पे ही है ठीक मान लीजिए फोन पे पर क्लिक करूंगी यहाँ पे मेरा यू पी आई आएगा मोबाइल नंबर आ जाएगा अदरवाइज मैं इसको बैक भी कर सकती हूँ सिंपल प्रोसेस है मुझे नहीं लगता मुझे पे नाव करके आपको दिखाना पड़ेगा है ना तो यहाँ से आपका पेमेंट हो जाएगा पे नाउ पे क्लिक करोगे जो भी यहाँ पे आपका कन्वीनियंस फी होगा वो फोर थाउजेंड प्लस चार्ज होगा ठीक है यहाँ से बस आपको सिंपली आप पेमेंट करना है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा ठीक तो आई थिंक यहाँ का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ चुका है इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ओके okay, तो हमने समझ लिया है कि पेमेंट आपका होगा यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो जितनी डिटेल्स है सब चेक करने के बाद प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से फिल करने के बाद आराम से पेमेंट करो थोड़ा टाइम लेके सॉर्टेड है ठीक और यहाँ से आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा ये हमने पूरा प्रोसेस सीख लिया कि क्लैट का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है आने वाले टाइम में एलेट का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा बाकी एंट्रेंसेस का वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा इफ इन केस यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आई विल बी क्रिएटिंग अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन फिलिंग द प्रेफरेंस लिस्ट ऑफ एन सो स्टे यून फॉर दैट एंड इन केस ऑफ एनी डाउट कॉमेंट देम डाउन And I'll take your doubts in the next session of mine. Thank you very much for joining this session, and I'll see you in the next session. Bye.